तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल सीजनल गैलीवेंटर। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो धीरे धीरे जैसे कि बाइक भी ले लिया, सब चीज़ कर दिया, अब धीरे धीरे एसेसरीज बाइक की मैं फुलफिल कर रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग मैंने अमेजन से शॉपिंग किया और अमेजन मेरे लिए बेस्ट है अभी तक का। कुछ भी चीज़ अगर अमेजन से शॉप करता हूँ तो मुझे अच्छे ऑफर्स, अच्छे कैशबैक्स और सारी चीज़ें मुझे मतलब उसमें अच्छी मिल जाती हैं। तो जस्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि अमेज़न से कुछ पार्सल आया है। अब जस्ट इसको ओपन करेंगे, अनबॉक्सिंग, और देखेंगे इसके अंदर चीज़ें क्या क्या निकलती हैं। तो ये मैंने चार आइटम मंगाया था अमेज़न से। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे, ये शिबा का ऑल इन वन, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपर्पज़ लिक्विड पॉलिश है, जिसको अपन बाइक, कार, स्कूटी किसी पे भी अपन यूज़ कर सकते हैं। और ये 750 ml का है, हाई ग्लास, लॉन्ग लास्टिंग, ईजी अप्लीकेशन, मल्टीपर्पज़, और ये सारी चीज़ें का। और सबसे बेस्ट क्या है, ये स्प्रेबल है, अपन इसको ऐसा डायरेक्ट स्प्रे करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मुझे अमेज़न पे यही मिला, काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह सबके चेक किए, उसके बाद मैंने ये चीज़ लिया है। तो ठीक है, एक प्रोडक्ट तो अपना ये हो गया शिबा का, और ये रियली बेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा मैंने रिव्यू देखा, सब कुछ किया, उसके बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये ली गियर का है, ली गियर एक कंपनी है, और ये मैंने आर्म स्लीव मंगाया, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। और ये आर्म स्लीव मैं आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी बाइक का कलर है ना, स्लेट कैमोफ्लेज में है, तो मैं सोचता हूं कि यार सारी चीज़ मैं उसी के हिसाब से क्यों ना करूं, सारा चीज़ मैं उसी के हिसाब से कंपेयर करके अगर रखूंगा तो मेरे लिए बेटर होगा। ये आर्म स्लीव एक पेयर मैंने मंगाया था जो कि कैमोफ्लेज कलर का ही है, मतलब ठीक ही है, अच्छा है। तो अगर सन प्रोटेक्शन में अपने हाथ को काले होने से बचाना है तो इसका यूज़ तो करना पड़ेगा ही, तो इसके लिए एक ये मंगा लिया है। ओके, तो इसको अब करते हैं साइड और बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की ओर। और ये प्रोडक्ट है ली गियर का ही है, अच्छा ब्रांड है ये। स्कल कैप मैंने मंगाया था, इनर कैप, अगर हेलमेट वगैरह अपन यूज़ करते हैं, उसे पहनते हैं, तो उस वक्त ये अपने को जो अपने हेलमेट के अंदर स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उससे अपने को प्रोटेक्ट करेगा और अपने हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि हेलमेट में आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा हेयर डैमेज और हेयर लॉस के चांसेस होते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा है उसके लिए। काफ़ी कुछ रिव्यू करने के बाद, 2 महीना 1.5 महीने उसके बाद मैंने सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। ऑलरेडी अमेज़न का बॉक्स मुझे ऑलरेडी आके रखा है कई दिन से, आज मुझे मौका मिला रिव्यू करने का, तो मैं आपके सामने वो चीज़ों को बता रहा हूँ। और इसके अलावा भी कई सारा प्रोडक्ट अभी ऑल मतलब रास्ते में ही है, मतलब 2 बॉक्स और मेरे अमेज़न से आने के हैं वो भी, तो उसको भी शेयर करूँगा। और हमेशा अगर आप ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको ऑफर्स अच्छे सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी बहुत कुछ है टस्कर के लिए, तो धीरे धीरे मैं सारा चीज़ आपको अनबॉक्स करके रिव्यू देते रहूँगा और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट खरीदें। तो इसे एक बार ओपन कर देता हूँ, इसे मैं इसका पैकेट निकाल के अंदर देखते हैं चीज़ क्या है, आपको तब अच्छे से क्लियर समझ आएगा। बाकी जो ली गियर ब्रांड है, कंपनी जो है, काफ़ी अच्छा है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रखती है, ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ मैंने किया है, सब चीज़ देखा किया, उसके बाद ही मैंने लिया। तो ये कैप है, और इसे पहन के भी दिखाता हूँ। सो हियर इट इज़, सिर्फ हेड प्रोटेक्ट करना है अपना, उतना ही उद्देश्य है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ताकि हेयर फॉल और हेयर डैमेज जो होता है उससे अपन बच सके, डायरेक्ट हेलमेट ना रहने मतलब पहनने से। तो ये चीज़ अच्छा है, अपने को कवर करेगा, अच्छी चीज़ है वैसे। और बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट की ओर। तो ये मेरे लिए बेस्ट है यार, ये जो ऑटो फाइक का जो मतलब मैंने ये क्या बोलूँ, इसमें लिखा ही है कि विंग्स टू योर राइड। ये ऑटो फाइक इतनी अच्छी कंपनी मुझे लगी, दिल्ली बेस्ड कंपनी है ये, और बहुत प्यारी मतलब कंपनी है ये। और इसके अंदर आप गेस कर सकते हैं ये क्या है, ये मैं आपको बता दूँ, ये है फॉग लाइट। ठीक है, अभी अपन इसको एक बॉक्स अपन ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फॉग लाइट है, कैसा है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो इसे अब फटाक से अपन ओपन कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका मतलब पैकिंग रहता है। तो ये हो रहा है अनबॉक्स ऑटो फाई का फॉग लाइट। और आपको मैं बता दूँ, ये जो लाइट है ये है 40 वॉट इलेक्ट्रिक पावर का,
साइड शूटर लाइट, तो सेम ये चीज़ है। और ये है लाइट, ये R25, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको फटाक से इंस्टॉल करना बाकी है, देखते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मुझे ये क्लैंप मिला है। क्लैंप ओपन करें, बिल्कुल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसकी फिटिंग्स कैसा इसके साथ आती है। तो ये इसका क्लैंप, ये एलन की वो नट बोल्ट जो कह लें, और एक एलन की भी अपने को मिलती है। वाह यार, अच्छा है तब तो। तो वेल, ये सारी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल टस्कर के लिए, मेरे हिमालयन के लिए, और इसके बाद भी और सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं और ऑन द वे ही हैं। और मैंने बैंगलोर से भी कुछ शॉप किया है, तो बैंगलोर से जो चीज़ मैंने शॉप किया वो मस्त चीज़ है, एकदम मक्का कहना चाहिए, मस्त प्राइस पे मेरे को मिला है वो चीज़। तो लिंक और इंस्टाग्राम से अभी आप मेरे से अगर जुड़ जाएंगे तो मैं उसमें कुछ ना कुछ अपडेट देते ही रहता हूँ, तो आपको उसमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कब कैसा क्या आपके हिमालयन के लिए। अगर आप हिमालयन यूज़ करते हो तो भी बेस्ट है, नहीं भी करते हो तो बाकी। जैसे मैंने अभी आपको ये लाइट का बताया, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल है, कोई ऐसा मेरा खास नहीं है, बट मैं मेरे बाइक के हिसाब से मेरे लिए मतलब सारा एसेसरीज इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल है, आप किधर भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, और कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिले और अच्छे अच्छे अनबॉक्सिंग्स मिलती रहे। और इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल आप देख सकते हो, नीचे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे, तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लो। वेबसाइट चेक करना तो वेबसाइट जाके आप विजिट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और ऐसे ही राइड करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू।